हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 1857 के क्रांति यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे, डिटेल्स में जो है इसकी एनालिसिस करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं। चाहे वो EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का पेपर हो, BPSC TRE 2.0 का पेपर हो, या फिर CGL का एग्जाम हो, या फिर दरोगा का एग्जाम हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्लास 8 में आपने जो है इस टॉपिक को पढ़ा होगा, NCERT के क्लास 8 में जो है ये आपको मिल जाएगा। तो NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की भूमिका क्या थी? तो इनका रोल के बारे में आपसे सवाल कर लिया गया है। तो देखिए, वह नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, बिल्कुल नाना साहब के वो कमांडर इन चीफ थे, जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है, ये बात तो सही है। उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट पंचमहल के जो भील थे, भील एक जनजाति है, उसको इन्होंने जो है संगठित किया, एकजुट किया और सेना तैयार की थी, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो दोनों आपका एब्सोल्यूट करेक्ट है। अब नीचे आइए तो बोला गया ना ए सही है ना बी सही है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दो जो है, दोनों ऑप्शन जो होगा वो आपका एब्सोल्यूट करेक्ट, यानी कि दोनों ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले नीचे कमेंट करके आपको अपने जगह का नाम बताना है, जहां से भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो प्लीज डू कमेंट। आप अपने जगह का नाम जरूर जो है, जिले और राज्य का नाम यानी कि स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको नीचे मेंशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो रीजन था, जो कॉज था, इमीडिएट कॉज यानी कि तुरंत तात्कालिक कारण इसे बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में इमीडिएट कॉज, ये क्या था? तो देखिए एक्चुअली एज ऑफ नाउ अगर आप इसे देखोगे ना, तो सबसे बड़ा जो इसमें रूल था वो था कि धर्म यानी रिलीजन सेंटीमेंट को जो है अंग्रेज बहुत हर्ट कर रहे थे। आपको पता ही होगा जो कार्टेज था, जिसे गोली बोलते हैं आप बोलचाल की भाषा में, वो बुलेट को ना पहले बंदूक में लगाने से पहले उसे जो है मुंह के अंदर लेना पड़ता था, और देन आप जो है बाहर से उसके जो ऊपर में जो कवर है उसे हटाना पड़ता था, और उस कवर को अंग्रेजों ने जो है उस समय काव के चर्बी यानी कि गाय की चर्बी और फिर सुअर के चर्बी से जो है बनाया था। और आपको पता है काउ इज ए सैक्रेट एनिमल फॉर हिंदूज, और हिंदुओं के लिए जो है गाय एक क्या थी, पवित्र जानवर था, और वो गाय के चर्बी को छू नहीं सकते थे मुंह से, तो ये रॉन्ग हो जाता हिंदुओं के लिए। और मुसलमान जो है सुअरों को पसंद नहीं करते, उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें इस बात को अलाउ नहीं किया जाता है। तो दोनों ही जो है धर्म के विरोध में ये सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे कार्टेज लाया गया था। तो ये जो है सबसे बड़ा रीजन था कि जो है विद्रोह हुआ था और सैनिक जो है लाल किला की ओर बढ़ गए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो धर्म में जो है अंग्रेजों का बहुत ज्यादा दखल हो रहा था, संदेह कर रहे थे ये लोगों पे, तो इसका सही जवाब है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जो सैनिक थे ना वो जब ड्यूटी पे आते थे तो उनको कुछ रूल फॉलो करने होते थे कि आप जो है तिलक नहीं लगा सकते हो माथे पे, जो है आप तिलक नहीं लगा सकते हो, हाथ में कलावा नहीं पहन सकते हो, ठीक है, जो आप छठ वगैरह के टाइम में हाथ में लगाते हो, या फिर कोई भी आपके घर में पूजा होता है तो आप जो है रक्षा सूत्र भी जिसे बोला जाता है वो आप नहीं लगा सकते हो। खैर उस समय तो ये रीजन, ये सेंटीमेंट बहुत बुरा था। और एक और रीजन था जो आपको जानना चाहिए, सी क्रॉसिंग यानी कि लोगों के अंदर उस समय अंधविश्वास था कि जो समुद्र पार करके ना किसी दूसरे कंट्री में जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। और अंग्रेज क्या कर रहे थे, बहुत सारे भारतीय सैनिक को अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर रहे थे और उनको जो है समुद्र पार करके पहुंचाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि बहुत अलग अलग कंट्री में आपको बहुत सारे इंडियन मिलेंगे, तो सी क्रॉसिंग के कारण भी जो है इंडियंस बहुत अगेंस्ट में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगल पांडे की जो घटना हुई थी, आपको पता है मंगल पांडे बहुत बड़े वो जो है, इनका एक जो इमीडिएट इफेक्ट था उसमें मंगल पांडे का नाम आपको शामिल करना होगा। तो अब आपको बताना है मंगल पांडे को जो एग्जीक्यूट किया गया था, मारा गया था, वो कहां मारा गया था, या मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी, मेरठ में, नहीं अंबाला में, लखनऊ में, तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बैरकपुर, जो कि आपको कोलकाता में मिलेगा। और यहाँ पे जो है मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को एग्जीक्यूट कर दिया था, यानी कि उनको जो है मार दिया था। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, बट डोंट वरी मैं आपको हिंदी में से समझा दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, ये बुक का नाम है। देखिए ये जो है बुक का नाम है, इस बुक को किसने लिखा है, आपको जानकर हैरानी होगी ना। SN सेन भी नहीं लिखा है, मजूमदार में भी जो है नहीं लिखा है इन्होंने, अहमद खान भी नहीं लिखा है, ये बुक जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अब बोलोगे ये सरप्राइजिंग एलिमेंट कैसे हो गया, ये तो एक लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग थे तो उन्होंने भारत के बारे में क्यों लिखा। देखिए वो अंग्रेजों के खिलाफ थे और अंग्रेज जो है डेमोक्रेसी वगैरह की बात करते थे, तो इससे जो है ना
ये लेफ्टिस्ट लोग चिढ़ गए थे, और कार्ल मार्क्स ने जो द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ जो था बुक, वो 1857 से 59 ये लिखा था। एक और बुक है जो आपको जानना चाहिए, उस बुक को जो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए उस बुक का नाम है, मैं यहां से लिख देता हूं, आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। ये बुक जो है, ये बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, ये बुक लिखी गई थी वीडी सावरकर, जो जिनके नाम पे आज कंट्री में जो है बहुत सारा जो है कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे ये अंग्रेज के दलाल थे, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ये देशद्रोही थे, और कुछ लोगों का मानना है कि ये देश के लिए जो है काम कर रहे थे। तो देखिए सच दोनों में से कहीं बीच में है। इन्होंने बहुत सारा दिन जो है अपने बहुत सारे ईयर्स जो है जेल में बिताए हैं, और आपको पता है इनको काला पानी यानी कि जो अंडमान एंड निकोबार के जेल में इनको रखा गया था, तो ये बहुत बड़ी बात है। वहां पे उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इस बुक का नाम मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरी बात, ये बुक लिखी कब गई थी वीडी सावरकर के द्वारा, तो 1909 यानी कि 1909 में ये बुक लिख दी गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे साहब ए आलम जो है उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये उपाधि से सम्मानित करने वाले व्यक्ति का नाम देखिए बहादुर शाह है, बहादुर शाह जफर, जो आप जानते हो मुगल के अंतिम राजा थे ये, तो बहादुर शाह के द्वारा इनको उपाधि दिया गया था। उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस पर्सनैलिटी का नाम आपको बताना है, तो उनका नाम देखिए क्या है, बख्त खान। देखिए एक्चुअली सब लोगों ने ना 1857 के क्रांति में बहादुर शाह जफर को अपना जो है नेतृत्वकर्ता माना था। एक्चुअली कोई यहाँ पे नेतृत्व करने वाला था नहीं, देश में अलग अलग जो है सेंटिमेंट थे, अलग अलग कॉज के वजह से लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे, किसान अपने लगान के कारण जो है सरकार के खिलाफ थे, ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ थे, कुछ लोग धर्म में जो दखल अंदाजी हो रही थी उसके खिलाफ थे, और सिपाही वगैरह जो है वो काटेज यानी कि जो वो बारूद जो वो गोली था उस गोली के ऊपर में जो है काटेज के ऊपर में सुअर और गाय की चर्बी लगा गई थी उसके खिलाफ थे। और भी बहुत सारा रीजन था, जो भारतीय सिपाही थे उनको ब्रिटिश के इक्विवेलेंट यानी कि बराबर नहीं माना जाता था, सैलरी भी इनको कम दी जाती थी, और इनको जो है बात बात पे प्रताड़ित किया जाता था, गद्दार बुलाया जाता था। भले ये ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे लेकिन इनको गद्दार बुलाया जाता था। आप अगर मूवी देखोगे, वो जो एक मूवी हाल में ही आई थी, वो मूवी अगर आप देखोगे तो आपको नाटो नाटो जो उसको बहुत सारा अवार्ड वगैरह भी मिला हुआ है, उस मूवी का नाम RRR वो मूवी थी, RRR। उस मूवी में ना यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे जो है अंग्रेज के द्वारा जो है भारतीय सिपाही को जो है थोड़ा सा जो है संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह साहेब ए आलम जो है बख्त खान को दिया गया था, और जो बहादुर शाह थे ना इनको नेतृत्वकर्ता माना जा रहा था यहाँ पे, लेकिन असली काम तो बख्त खान ही कर रहे थे, ये कमांडर इन चीफ थे, यही जो है ये सारा काम देख रहे थे, और अंग्रेज के द्वारा ये सूबेदार थे। याद रखिएगा, अंग्रेज के जो सेना थी उसमें अंग्रेज की सेना में ये सूबेदार के पद पर थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी, लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, या फिर कानपुर से। तो देखिए इसका सही जवाब आप सभी को पता है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये जो है मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई को। कब शुरुआत हुई थी, 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी, 1857 की क्रांति जो है मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई पहली घटना कौन सी थी, इस पहली घटना के बारे में आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे जो इमीडिएट इफेक्ट था ना वो सैनिकों के द्वारा जो काटेज के विरोध में जो है प्रदर्शन करना था, लोग जो उसके ऊपर जो है चर्बी लगा दी गई थी, फैट लगाया गया था, उस फैट को सुअर की चर्बी भी बोला जाता है और गाय की चर्बी भी बोला जाता है, तो इससे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है अगेंस्ट हो गए थे सरकार के, और यहाँ पे सिपाहियों के द्वारा जो है दिल्ली के लाल किला तक जो है मार्च किया गया था, यही इसका जो है सबसे बड़ा रीजन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट VVI, आप इसे जो है नोट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 1857 के का जो स्ट्रगल था हम लोगों का, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, इसका सिंबल क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए कहीं पे आपको कमल और चपाती भी इसका आंसर मिलेगा, कहीं पे कमल और रोटी भी इसका आंसर मिलेगा। देखिए कमल जो है देवता, आपको पता ही है कि देवता के लिए जो है बहुत पूजनीय होता है, तो ये इससे जो है पायसनेस इसमें आपको जो है झलकेगा, यानी कि यह है शुद्धता का प्रतीक कमल। और रोटी आपको पता ही है इंसान की फंडामेंटल नीड है, इंडिया में जो है लोग रोटी खाते हैं और यूरोपियन लोग जो है वो जो है ब्रेड खाते हैं, तो दोनों एक ही बात हो गई, अलग अलग फॉर्म है, तो रोटी इंडिया में जो है बहुत महत्वपूर्ण था, तो ये जो है ना फंडामेंटल नीड की तरह जो है लोगों को दिखाया गया था, धर्म के प्रति भी और
बुनियादी जरूरत के प्रति भी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के दौरान बरेली में विद्रोह का नेता था। देखिए अलग अलग रीजन से मैं सवाल को जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। बरेली में जो विद्रोह हुआ था ना उसका नेता का नाम आपको बताना है, उस नेता कौन थे। तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, खान बहादुर, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, खान बहादुर। और आपको जानकर हैरानी होगी खान बहादुर की एज उस समय कितनी थी, 70 ईयर्स। 70 साल के लोग आजकल चल फिर नहीं पा रहे, और उस समय ये अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे और इनके सामने ना अंग्रेज के सैनिक आने से बचते थे। क्यों? क्योंकि इनके सामने जो भी आता था वो हार ही जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, 70 साल की एज में इन्होंने अंग्रेजों से जो है लड़ाई लड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरोध में अंतिम लड़ाई लड़ी थी, यानी कि जो लास्ट बैटल था, मनु, इनको मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था, बाद में प्यार से लोग इन्हें मनु बुलाते थे, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से आप इन्हें जानते हो। तो देखिए इनकी अंतिम लड़ाई जो है ना वो ह्यूज रोज के द्वारा, देखिए ह्यूज रोज इंग्लिश में नाम पढ़ देना, हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, ह्यूज रोज के द्वारा जो है, ह्यूज रोज और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में इनकी लड़ाई हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु जो है इस लड़ाई के दौरान हो गई थी। और आपने वो बहुत ही फेमस जो है वो पेंटिंग या फोटो आपने या फिर कोई पोयम बचपन में जरूर देखी होगी, पढ़ी होगी, जहाँ पे वो अपने बच्चे को जो है पीछे पीठ में बांधकर तलवार से अंग्रेजों के साथ जो है दो चार लड़ाई कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, मैंने अभी आपको देखिए बताया ना कुछ देर पहले ही, अब देखिए लखनऊ का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अवध की बेगम, अवध की बेगम। और इसका जो इमीडिएट कॉज था, यानी कि जो तात्कालिक कारण था, पूजा करने की जो है स्वतंत्रता दे दी गई थी, इसके खिलाफ जो है ये चीजें हुई थी। तो अवध की बेगम जिनका नाम क्या है, इनका नाम है हजरत महल, इनका नाम था हजरत महल, और ये लखनऊ की ओर से जो है इस विद्रोह को लीड कर रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डेट आपसे पूछ लिया गया है कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। अगर आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली आपको आंसर पता चल गया होगा कि 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी, मेरठ से, मैंने इसका भी जवाब दिया था। लेकिन एक क्वेश्चन को आप ना कंफ्यूज मत कर लेना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी, वो बैरकपुर में हुई थी, उसे और मेरठ को जो है उसे दोनों को एक मत समझ लेना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने 1857 में इलाहाबाद से जो है रिप्रेजेंट किया था, इलाहाबाद को रिप्रेजेंट किया था। अभी हमने लखनऊ के बारे में पढ़ा, इससे पहले जो है अवध के बारे में पढ़ा, अभी इलाहाबाद की बारी आती है। तो देखिए इलाहाबाद की ओर से जो विद्रोह का नेता था वो नेता कौन था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मौलवी लियाकत अली। ये एक जो है रिलीजियस लीडर थे, ठीक है, इलाहाबाद पहले जो है इलाहाबाद के ये धार्मिक नेता थे और ये अंग्रेज के खिलाफ हो गए थे। और अब जो है आपको पता ही होगा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है क्वेश्चन, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे। तो देखिए नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था तात्या टोपे। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में शायद बताया था तात्या टोपे के बारे में, ये सही आंसर क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ जो थे नाना साहब के वो तात्या टोपे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, अजमुल्ला खान किसके सलाहकार थे, यानी कि एडवाइजर किसके थे ये। तो देखिए इनका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां देखो ये रहा ऑप्शन, ये नाना साहब के ही जो है सलाहकार थे। और उनका जो है, मैंने अभी एक मिनट आपको मैं पीछे से क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। कमांडर इन चीफ कौन थे, तात्या टोपे, और अजमुल्ला जो थे वो एडवाइजर थे, याद रखिएगा इस बात को, एडवाइजर कौन थे और कमांडर इन चीफ कौन थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये रहा, 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता कुंवर सिंह, ये जो है कुंवर सिंह किस रीजन को लीड कर रहे थे, यहां से ये लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, या फिर उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, सॉरी फॉर दैट, इंग्लिश में यहाँ पे नाम सही लिखा गया है। तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय ना कुंवर सिंह बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बिहार से ये लड़ाई लड़ रहे थे, ये भी बहुत वृद्ध व्यक्ति थे और अंग्रेजों से लड़ते समय ना इनके बाजू में गोली लग गई थी, आर में गोली लग गई थी, तो उन्होंने दूसरे हाथ में तलवार लिया और पहले पहले हाथ को इन्होंने काट दिया। कितनी बड़ी जो है इनकी, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा दिल था इनका, अपने देश के प्रति जो है ये समर्पित हो गए। और कुंवर सिंह जो है जमींदार फैमिली से आने वाले व्यक्ति थे, वेट,
कुंवर सिंह जो है एक जमींदार फैमिली से आते थे, इस बात को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ और मैं नाम आपके सामने रख देता हूं, एग्जाम में ये पूछा जाता है। एक नाम है जयदाल सिंह, जय दयाल सिंह, और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है हरदयाल सिंह। इन दोनों ने ना राजस्थान को लीड किया था 1857 के क्रांति में, ये राजस्थान को लीड कर रहे थे, ठीक है। एक और आपको नाम मैं बता देता हूं, कदम सिंह, मेरठ जो बहुत फेमस है। देखिए कदम सिंह ने जो है ना मेरठ को रिप्रेजेंट किया था, किसको, मेरठ को। तो इनको याद रख लीजिएगा, बार बार जो है प्लेसेस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के कारणों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आपको जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया ना उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। पहला देखो क्या है, यह भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतन में भारी असमानता थी। बिल्कुल ये सही बात है, भारतीयों को कम पैसे दिए जाते थे भारतीय सैनिक को, और जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको जो है ज्यादा सैलरी दी जाती थी। दैट्स करेक्ट, पहला ऑप्शन तो आपका सही है। भारतीय सिपाहियों के साथ उनके यूरोपीय अधिकारी द्वारा अवमानना का व्यवहार किया जाता था, यानी कि उनके साथ जो है मिसबिहेव किया जाता था, उनको जो है छोटे की दृष्टि से देखा जाता था। यह भी आपका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिपाहियों को साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में भेज दिया जाता था, लेकिन उन्हें कोई अतिरिक्त यानी कि TADA बाहर जाने का के लिए यात्रा वगैरह फेयर वगैरह नहीं दिया जाता था। बिल्कुल तीनों बातें सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल आपका जो है करेक्ट आंसर है, सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सभी बातें यहां पे सही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा। देखिए ये कवि का नाम आपने गाहे बगाहे जो है देखी होगी, और इनका कोई ना कोई जो है कोट आपने फेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे इसे जरूर देखा होगा। इनका नाम है गालिब, गालिब के बहुत बड़े शायर थे, और आपने यहां से आप इनकी एक फोटो देख लो, फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इनकी ये जो गजल, ये जो शायरी है ना, आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकलेगी। ये जो है इन सैनिकों के लिए जो है गालिब ने अपनी शायरी लिखी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि जो हम लोगों का फ्रीडम मूवमेंट था, किस राजवंश ने, किस राजा ने, जो राजा के वंश है, अंग्रेजों का सबसे अधिक समर्थन दिया था। सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो ये अंग्रेजों के चाटुकार बन गए थे, अंग्रेजों के जो है आगे पीछे घूमते थे, अंग्रेजों की बहुत मदद करते थे। इनका नाम है ग्वालियर के सिंधिया। अब देखिए ग्वालियर के जो राजा थे सिंधिया साहब, ये जो है बहुत सपोर्ट इन्होंने अंग्रेजों को किया था। अब इनके आगे वाली पीढ़ी की अगर बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी हमारे भारत के उड्डयन मंत्री हैं, यानी कि विमान जो एरोप्लेन वगैरह की जो रूल, एयरपोर्ट पे क्या चीजें होगी नहीं होगी, ये यही देखते हैं, इन्हीं के वंशज के हैं। बट आपको हेट नहीं फैलानी है, क्योंकि इनके पिताजी या दादाजी ने ये सब बातें करी है, तो ऐसे में आप किसी को जज नहीं कर सकते हो इन चीजों को लेकर। मैंने आपको जानकारी दी है, इसका मिसयूज नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था। इस देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, अब मैं एक एक जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपको मैं फटाफट करा देता हूं। इसका नाम था हर्षी, हर्षी जो है इसका सही जवाब होगा। ये बैरकपुर कमांडर ऑफिसर थे ब्रिटिशर्स की ओर से। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है, जब यह 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री PM कौन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन थे। तो देखिए इसका नाम है पाल्मस्टन, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 की क्रांति थी वो फेल हो गई थी, यानी कि विफल हो गया था, इसका रीजन क्या था। तो देखिए इसके बहुत सारे रीजन थे, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई एक लीडर नहीं था जो इन सारे लोगों को लीड कर पाए, पहली बात। दूसरी बात क्या थी ना कि बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिया था, जिसमें सिंधिया भी थे। अब मैं एक बात बताऊं ना, उस समय जो कैनिक थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि सिंधिया अगर विरोध करते ना तो अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर ब्रिटेन वापस जाना पड़ता, समझ लो कितनी बड़ी बात है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि भारतीय में जो है सिपाहियों में उद्देश्य यानी एकता की, यूनिटी की जो है यहाँ पे प्रॉब्लम थी। राजा जो है वो अंग्रेज को सपोर्ट कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स की जो सेना थी वो ज्यादा डिसिप्लिन थी। सभी आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र बताया, यानी कि कॉन्स्पिरेसी बताई थी, वो इंसान कौन था। तो देखिए दो लोगों ने इसे जो है कॉन्स्पिरेसी बताई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सोच लो, ये हमारे देश में आए हुए थे और हमें ही लूट रहे थे, हमें ही गुलाम बनाकर रखा था, और इन्होंने इसको जो है षड्यंत्र बताया। खैर कोई बात नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स ऑडरम और डब्ल्यू
टेलर ने जो है इसे कॉन्स्पिरेसी बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसे जो है इन्होंने खास करके हिंदू और मुस्लिम को जो है इन्होंने बताया कि ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, दोनों कम्युनिटी मिलकर जो है अंग्रेजों को बाहर भगाना चाहती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आधिकारिक यानी कि जो गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये आंसर तो हो जाएगा एस एन सेन, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़े और फैक्ट बता दूं। सबसे पहले ना इनको नहीं बल्कि आरसी मजूमदार को चुना गया था भारत, जो उस समय की गवर्नमेंट थी, भारतीय गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आप बोलो उसे, ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने जो है आरसी मजूमदार को चुना था। लेकिन इनके अंग्रेजों के साथ बनी नहीं और इन्होंने कहा कि मैं नहीं लिखूंगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, और फिर इसे फाइनली जो है एस एन सेन ने लिखा था। लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, काम तो फाइनली एस एन सेन ने ही किया था, तो डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मंगल पांडे वाज द सिपाही ऑफ, यानी कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के जो है सिपाही थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 34 इन्फेंट्री के ये सिपाही थे, याद रखना है। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहां से भी बन पड़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है और आपको आंसर पता है इस क्वेश्चन का, तो डेफिनेटली यू शुड आंसर, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ था, उस कमीशन का नाम आपको बताना है। लोक सेवा आयोग, पील कमीशन, हंटर कमीशन या साइमन कमीशन, नीचे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। इफ यू डोंट नो द आंसर प्लीज डू गूगल करके इसका आंसर आपको बताना चाहिए। और मैंने आप लोगों से पहले भी कमेंट करने के लिए बोला था कि जिस प्लेस से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो प्लीज नीचे उस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिख दें। चलिए मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।